क्लास सेवेंथ लेक्चर 13। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पार्ट किए थे और आइडेंटिटीज टू आइडेंटिटीज का प्रूफ किया था, और टू मैंने आपसे कहा था आप लोगों ने खुद करनी है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप लोगों के लेक्चर अपलोड हो जाते हैं वहाँ पर, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका नेक्स्ट लेक्चर आ रहा हो तो आप प्रीवियस लेक्चर का भी क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हैं। ऑफिशियल नंबर पे आप लोगों ने कॉल करके लाइव भी बात कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज दें, मैं वहीं पे लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आपको उसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, अभी हम जी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। ऑलरेडी कर चुके हैं आइडेंटिटीज के साथ हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारी आइडेंटिटी 1 ही इसमें भी यूज हो रही है, वही करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास बायनोमियल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेम आए और सेकंड डिफरेंट आए तो वहां पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, आइडेंटिटी 1। यहां पर भी सेम आइडेंटिटी 1 ही यूज होगी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। ठीक है, अच्छा जी, आइडेंटिटी 1 हमारे पास क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास अब एक्स क्या आ रहा है, 2y, ए क्या है 1 और बी क्या है 5, प्लस 1 एंड प्लस 5, उनके जो साइंस है वो भी साथ में करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे 2y प्लस 1 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर था, x हमारे पास 2y आ रहा है तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a प्लस b, a हमारे पास 1 आ रहा है और b हमारे पास 5 आ रहा है, यहाँ पर 2y x की वैल्यू वो 2y साथ आ गया और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। बोर्ड में थोड़ी जगह कम होती है, दैट्स व्हाई ना मुझे थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ता है, लेकिन मैं साथ साथ बोल रही होती हूँ, आप लोग इस पर फोकस किया करो, और अगर आवाज का भी कोई इश्यू होता है तो आप लोग बता दिया करें। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है मेरी आवाज का, और मेरे सारे क्वेश्चन साथ साथ आपको करवा रही होती हूँ, कोई भी इश्यू होता है आप लोग डिस्कस किया करो। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 जो 4 स्क्वायर था, 4y स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस 5 इज 6 इंटू 2y, क्योंकि ये 2y से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हमारे पास नंबर है इस वजह से मैंने इसको अभी ब्रैकेट में लिखा है, और 5 वन जा 5, 4y स्क्वायर 6 टू जा 12y प्लस 5, ये हमारी आइडेंटिटी। ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ना बजाय वो सारे कैलकुलेशन जो हम डिवीजन मल्टीप्लीकेशन की कर रहे थे। अच्छा जी, अब इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3b माइनस 1, 3b माइनस 7। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो सेम आ रही है, सेकेंड डिफरेंट है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी 1, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। द आइडेंटिटी इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इतनी दफा ये आइडेंटिटी आपको लिखवा दी कि अब आपको जुबानी याद हो जानी चाहिए, और इतनी दफा प्रैक्टिस होगी कि ये क्वेश्चन आपके कम अज कम वहां पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रॉन्ग नहीं होने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होती है इनकी। अच्छा जी, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3b, a क्या आ रहा है माइनस 1 और b माइनस 7, अप्लाई करते हैं हम लोग 3b माइनस 1 इंटू 3b माइनस 7 इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, x स्क्वायर है तो वहां पर 3b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 7 3b प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7, 3 3 जर 9, b
स्क्वायर माइनस वन और माइनस सेवन इज माइनस एट इंटू थ्री बी सेवन वन जर सेवन और माइनस माइनस प्लस नाइन बी स्क्वायर ये प्लस माइनस माइनस एट थ्री जर ट्वेंटी फोर बी प्लस सेवन ठीक है ये हमारा आंसर हो गया देख ले फॉरन से ही आंसर सारे कैलकुलेट करने के बजाय सिंपल हमने आइडेंटिटीज में वैल्यूज में गए और उसको सॉल्व कर लिया नाउ टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है फोर एक्स प्लस फाइव इंटू फोर एक्स प्लस थ्री ठीक है जी ये हो गया सॉल्यूशन सेम यहां पर भी हमारी आइडेंटिटी वन यूज हो रही है 4x plus 5 into 4x plus 3 by using identity 1 4x plus x plus a into x plus b यहाँ पर मैं जरा इधर से देखती हूँ क्योंकि वहां से फिर जगह खत्म हो जाती है x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b x a into b यहाँ पर हमारे पास x आ रहा है 4x a आ रहा है 5 और b आ रहा है 3 now we did 4x plus 5 into 4x plus 3 4x square ठीक है 4x whole square plus 5 plus 3 into 4x plus 5 into 3 ठीक है 4 4s are 16 x square 5 plus 3 is 8 multiplied by 4x 5 3s are 15 16 x square plus 8 4s are 32 x plus 15 ये आंसर हो गया अब स्टूडेंट ये मैंने आपको थ्री क्वेश्चन करवा दिए अब नेक्स्ट आपके पास है 9 और 10 ठीक है सिर्फ ये टू क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क भी करने टू होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 और 9 एंड 10 ठीक है ऑफ एक्सरसाइज 8.5 ठीक है ये आप लोग होमवर्क में खुद करोगे ओके अल्लाह हाफिज़